नमस्कार, मैं हूं सोनिया जयसवाल। आप देख रहे हैं एच न्यूज। वक्त हो गया है खबरों का। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगे 100 करोड़ की वसूली के आरोपों की जांच कर रहे चांदीवाल आयोग ने मुंबई के पूर्व सीपी परमवीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है, साथ ही 50,000 बॉन्ड भी भरने को कहा है। दरअसल आज मुंबई के पूर्व सीपी परमवीर सिंह को आयोग ने बयान के लिए बुलाया था। बार बार बुलाए जाने के बाद भी एक बार भी हाजिर नहीं हुए हैं, इसलिए पिछली तारीख को आयोग ने उन्हें चेतावनी दी थी कि 7 सितंबर को अगर परमवीर सिंह नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने इस साल मार्च में सिंह द्वारा राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए न्यायमूर्ति कैलाश उत्तम चंद चांदीवाल के एक सदस्यीय आयोग का गठन किया था। इससे पहले भी आयोग के समक्ष पेश न होने पर उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। जून में भी आयोग ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को समन भेजे जाने के बावजूद उसके समक्ष पेश न होने के लिए 5,000 रुपए का जुर्माना भरने को कहा था। यह धनराशि मुख्यमंत्री के कोविड-19 राहत कोष में जमा की जानी है। मुंबई पुलिस आयुक्त पद से हटाए जाने के बाद मार्च से होमगार्ड्स में तबादला किए जाने के कुछ दिनों बाद ही सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में दावा किया था कि अनिल देशमुख पुलिस अधिकारियों से मुंबई में रेस्टोरेंट और बार मालिकों से पैसा लेने के लिए कहते थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता देशमुख ने आरोपों से इनकार किया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी द्वारा देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। तो ये थी हमारी आज की खबर। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए एचएम न्यूज के साथ।